सो हेलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टिकटॉक से जुड़ी एक खास जानकारी, जो कि टिकटॉक आपको पता होगा कि इंडिया पे बैन हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और किसी को भी वो रातों रात स्टार बना देता है। कोई भी वहाँ पर वीडियो अपलोड करता था और वायरल होते ही वीडियो वह स्टार बन जाता था। तो इसलिए टिकटॉक जो कि इंडिया पे बैन हो चुका है पूरी तरीके से और प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया उसको, और ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया टिकटॉक बैन के ऊपर, आप उसको देख जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे वो किस लिए बंद हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कि बहुत ही छोटे बच्चे होते थे कि जो स्टूडेंट होते थे उनका करियर जो कि बर्बाद हो रहा था टिकटॉक के थ्रू। कैसे होता था, क्योंकि कोई भी फेमस होने के लिए टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था बच्चों का, यानी कि स्टूडेंट का जो कि पढ़ाई करते थे टिकटॉक पे। अगर एक बार ओपन कर लेते तो दो ढाई घंटे जो कि चला जाता था टिकटॉक पे। तो इसलिए बहुत सारी रिपोर्ट हो चुकी थी टिकटॉक के लिए, क्लेम बहुत सारे हो चुके थे, इसलिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया और प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पर जा करके। जैसे कि आप प्ले स्टोर ओपन करते थे पहले और यहाँ पर सर्च करते थे टिकटॉक, तो अब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो एप्लीकेशन, क्योंकि वो रिमूव कर दिया गया टिकटॉक के द्वारा। टिकटॉक यानी कि टिकटॉक हटा दिया गया है प्ले स्टोर से, गूगल ने हटा दिया बिल्कुल से। अब यूज़ वही लोग कर पाएंगे जिनके फ़ोन पे ऑलरेडी पहले से ये इंस्टॉल है, वही लोग इसे यानी कि यूज़ कर पाएंगे टिकटॉक को। या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन पर या फ्रेंड से ले सके तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के लिए आप कहीं से भी, यानी कि अभी आपको एक क्रोम ब्राउज़र या कहीं पर भी आप जो कि सर्वर के थ्रू आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक बहुत सारी मिल जाएंगे। बट कुछ दिनों के बाद आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अगर क्लेम जो कि कंप्लीट हो सकेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला गया है, जिन जिन लोगों ने क्लेम किया, अगर फैसला आ गया कि बंद करने के लिए पूरी तरीके से, तो इसका आईपी सर्वर जो कि आईपी एड्रेस है जो कि लिंक है सारी बंद कर दी जाएंगी, और आपके फ़ोन पर जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो भी बंद हो जाएगा। कैसे बंद होगा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप जैसे ही कुछ टाइम हो जाता तो आपको ये टिकटॉक या कोई सा भी अदरवाइज़ कोई एप्लीकेशन है जो कि अपडेट मांगने लगता है। तो जैसे ही आप इसको अपडेट करने के लिए तैयार होंगे, अपडेट करने के लिए इसको ओपन करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएगा डायरेक्टली, और प्ले स्टोर पर जब ये एप्लीकेशन होगा नहीं तो अपडेट कहाँ से होगा, तो तभी आप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे और ये बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। आप देख चुके हैं कि प्ले स्टोर पर ये हटा दिया गया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा जानने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना, जिस वीडियो को देख रहे हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।